हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, अभी सुबह सुबह लगभग 3:30 बजा है और हम लोग सभी बाइक से जा रहे हैं बराबर बराबर जो जहानाबाद जिला में पड़ता है, मतलब जहानाबाद से लगभग 20 से 25 किलोमीटर पड़ता है बराबर। यहाँ पास बराबर की गुफाएं हैं और वहाँ पास भगवान शिव जी का एक मंदिर है जो पहाड़ी के सबसे ऊपर है। भगवान शिव जी का मंदिर है जो है बाबा सिद्धेश्वरनाथ मंदिर। तो वहीं पास हम लोग जा रहे हैं सुबह सुबह। तो चले हम आपको वहाँ पास पूरा दर्शन करवाते हैं और पूरा बराबर का आपको हिस्ट्री बताते हैं कि। तो दोस्तों, सुबह में निकले थे तो अभी बीच में स्टॉपेज लिए हैं। एक स्टॉपेज के बाद फिर पहुंच जाएंगे हम लोग वहां पास महादेव जी के पास में। तो एक बार जोर से बोला, हर हर महादेव, हर महादेव। तो दोस्तों, बराबर की जो गुफाएं हैं बहुत ही प्राचीन है। यहाँ पास हिंदू धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, तीनों धर्म का मूर्तियां यहाँ पास देखने के लिए मिलेगा। लेकिन ये प्राचीन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म के लिए ही फेमस था। बाद में फिर जाकर के हिंदू धर्म की यहाँ पास मंदिर बनी और उसके बाद से हिंदू धर्म के लिए फेमस हो गया। फिलहाल हम अपना गाड़ी यहाँ पास पार्किंग में लगा देते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं पतलगंगा के पास। तो दोस्तों, पतलगंगा जो है एक प्रकार के झरना है, मतलब पवित्र झरना माना जाता है। और यहाँ हर एक साल जो होता है अनंत चतुर्दशी के दिन यहाँ पास स्नान किया जाता है और लोग यहाँ पास स्नान करते हैं और उत्सव मनाते हैं। और सावन के मंथ में यहीं से पानी लेते हैं जो आपको दिख रहा है इस कॉर्नर से, मतलब पानी अंदर से निकलते रहता और यहीं से पानी लेकर के ऊपर शिव जी के ऊपर में जाते हैं हम लोग जल चढ़ाने के लिए। देखिए यहाँ पास से पानी निकल रहा है पतलगंगा। तो दोस्तों, अभी सावन का पावन मंथ चल रहा है और यहाँ पास बहुत ही ज्यादा भीड़ लगा हुआ है क्योंकि अभी यहाँ पास मेला लगता है। सावन के सावन यहाँ पास बहुत ज्यादा मेला लगता है, भीड़ लगा हुआ था। तो हम लोग पतलगंगा से पानी न लेकर के ऊपर जाते हैं क्योंकि पहाड़ी के ऊपर में भी एक तालाब है और दो छोटा छोटा कुआं है जहाँ से हम लोग पानी भर रहे हैं। कुआं में फ्रेश वाटर रहता और ऊपर भी बढ़िया व्यवस्था किया गया है। तो हम लोग यहाँ से पानी नहीं भरते, हम लोग सीढ़ी से ऊपर जाते हैं, ऊपर मतलब पहाड़ी के ऊपर में ही कुआं है। तो देखिए यहाँ से रस्सी लगा करके मतलब पानी निकाला जाता है और यहाँ से फिर हम लोग पानी लेकर के ऊपर जाएंगे। तो दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं मंदिर के पास में और मंदिर जो है बना हुआ पहाड़ी के सबसे ऊंची चोटी पे है। इसी मंदिर है और ये पहाड़ी के सबसे ऊंची चोटी पर। इसका निर्माण राजगीर के महान शासक जरासंघ के ससुर बाना करवाए थे। बाना के नाम पे ही बानावर होल्ट एक बना हुआ है जो कि गया जहानाबाद के बीच में पड़ता है, बानावर होल्ट। तो दोस्तों, इस मंदिर में मेनली शिवलिंग है और शिवलिंग के अलावा में गणेश की प्रतिमा है, दुर्गा की प्रतिमा और बहुत सारे अन्य देवता की भी प्रतिमा इस मंदिर में देखने के लिए मिल जाएगा। तो दोस्तों, मंदिर में जल चढ़ाने के बाद बाहर में आते हैं, बाहर में चंदन टीका करवाते हैं और फिर अपना संकल्प करवाते हैं। संकल्प करवा के चले जाते हैं नीचे की ओर। तो दोस्तों, ऊपर में जो दूर पत्थर दिख रहा है यहाँ पास है विश्व झोपड़ी। यहाँ पास मतलब आयताकार रूम बनाया हुआ और मतलब चट्टानों को काट कर सीढ़ी बनाया हुआ ऊपर चढ़ने के लिए। तो विश्व झोपड़ी यहाँ पास है और ये पतला रास्ता से हम लोग वहाँ पास जाएंगे, मतलब जो झोपड़ी है उसके पास में। और झोपड़ी के चारों साइड से बाउंड्री दिया हुआ है, तो चलिए हम आपको दिखाते हैं, वीडियो में आप लोग बने रहेगा। तो देखिए यहाँ पास बाउंड्री दिया हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पर छोटा छोटा गुफा बना हुआ है, जैसे लग रहा है कि आदि मानव का रहने वाला घर है और मतलब बहुत ही अंदर पहाड़ पत्थर में खोद खोद करके बनाया हुआ है। और इसमें पत्थर का गिलावा वाला मिट्टी की तरह बना हुआ, मिट्टी दे दे करके अंदर कमरा की तरह बनाया हुआ है। तो चलिए हम आपको गुफा को नज़दीक से दिखाते हैं जा करके वहाँ पास।
तो दोस्तों ऊपर चढ़ने में और ऊपर से चढ़कर नीचे उतरने में बॉडी पूरा का पूरा डिहाइड्रेट हो गया था। तो हम लोग नींबू पानी पीते हैं और नींबू पानी पी करके बॉडी को हाइड्रेट करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा थकावट हो चुका था। तो दोस्तों इसको लोग सतघरवा बोलते हैं, यानी कि इसमें चार बराबर की गुफाएं और तीन है नागार्जुन की गुफाएं जो जुड़वा पहाड़ी के नाम से जाना था। और इसको राजा अशोक बनाया था, लगभग 273 ईसा पूर्व पहले बनाया था राजा अशोक, और राजा अशोक के जो पौत्र दशरथ था उसने बनाया था। मौर्य काल के समय में ये बना था ये सतघरवा। इसमें पहले ऋषि मुनि अपना यहाँ पास मंत्र उच्चारण करते थे, यहाँ पास ध्यान लगाते थे, लेकिन फिलहाल अभी ये बंद है। तो दो रूम इस साइड है और बाकी दो उस दूसरे साइड में है, और ये बहुत ज़्यादा है चिकनी है। एक ग्रेनाइट का पत्थर को बनाया गया, इसको काट करके बनाया गया और एकदम बहुत ज़्यादा चिकना है, और एक सिंगल पत्थर का बना हुआ। देखिए एक साइड एकदम पूरा का पूरा सिंगल पत्थर का है, और इधर से सीढ़ी दिया हुआ, सीढ़ी से दूसरे साइड जाए दूसरे साइड पूरा रूम है, दूसरे साइड दो कमरा और है। तो दोस्तों देखिए एकदम कैसे चमक रहा है, ग्रेनाइट पत्थर का काट करके बनाया गया और इस पर स्पेशल पॉलिश किया गया जिससे इतना ज़्यादा चिकना, बहुत ही ज़्यादा चिकना है बना हुआ। और इसमें आप थोड़ा सा भी कुछ बोलिएगा तो बहुत ज़्यादा साउंड इको होता, तो हम बोल करके आपको दिखाते हैं। जय श्री राम, बहुत ज़्यादा साउंड इको हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ सिद्धेश्वर नाथ का प्रसाद हम लोग प्रसाद लेते हैं, प्रसाद लेकर के घर की ओर चल देते हैं।